जय गुरु जी आंटी, सब संगत को जो अभी आए हुए हैं सुन रहे हैं और जो आगे सुनेंगे, और गुरु जी का लाख लाख शुक्राना कि आपने मुझे उन्होंने उनकी उस्तत करने का मौका दिया है। अब आप देखिए ईश्वर की क्या आप उस्तत कर सकते हैं, हर अल्फाज छोटा होता है। ये तो उनकी रहमत है कि वो हमारी जो हम बोलते हैं वो उनको मधुर लगता है और हमको सत्संग देने की करने की आज्ञा देते हैं। और गुरु जी का सत्संग से हम सबको ब्लेसिंग मिलती है। और जैसे कहते हैं कि वाणी में साध संगत का बहुत महत्व दिया है और सब पाठों में शब्द में कि साध संगत, और अब आप देखिए कि हम लोग सब साध संगत मिल रहे हैं। आप कहाँ बॉस्टन में है, मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ कहाँ से लोग ये सुन रहे हैं। और साध संगत का से ही हमने गुरु जी को जाना है, उनको पाया है, क्योंकि शायद ये अगर हम सबसे नहीं मिलते तो हम गुरु जी को वो नहीं जान पाते जो हम अब जान रहे हैं। और जैसे ये नाउ आई फील कि साध संगत के अलावा अब हम लोग सोल फैमिली हो गए हैं, क्योंकि ये हमारा सबका सोल का कनेक्शन हो रहा है और हमको आपस में एक दूसरे को एलिवेट करना है अपने सत्संग सुन के सुना के, और ना कि ये मेरा सत्संग है या किसी और का सत्संग है, छोटा है या बड़ा है। हमको हर सत्संग में से अपना मैसेज निकालना है, शिक्षा निकालनी है। और यही मेरी जर्नी में मैंने सीखा है कि मैंने सबके सब संगत से कोई, चाहे वो पुरानी हो, नई हो या बच्चे हो, मैंने उन सब में से कुछ ना कुछ सीखा है और उसको अपने अपनी लाइफ में उसको प्रयोग किया है। और जैसे जैसे मैं सुनती रही और मेरे सत्संग खुद बनते रहे। और ये जैसे कहते हैं कि आपको हर सत्संग में से बारीकी निकालनी है कि गुरु जी की, ये नहीं कि हमने सुना और भूल गए, और उसमें से हमको अपना रेलेवेंट मैसेज निकालना है, क्योंकि हर संगत का गुरु जी के साथ अपना कनेक्शन है। देखिए जो मेरा कनेक्शन है शायद और किसी का नहीं होगा, या जिनका जैसा कनेक्शन है वो हमारा इंडिविजुअल कनेक्शन है और वो सोल का कनेक्शन है। गुरु जी सबको सत्संग देंगे, ही इज प्रेजेंट इन एवरीबडी, चाहे वो सत्संग दे या ना दे, बट वो सबकी लाइफ में है और सबका कल्याण कर रहे हैं। तो देखिए ये जो हमारी जर्नी है, ये हमको आपस में एक दूसरे को ये मेरा अपना सत्संग नहीं है, इट इज आवर सत्संग। दिस इज वॉट आई फील कि ये हम सबका मिल के सत्संग है। अब देखिए कि गुरु जी ने मेरे को 4 साल पहले, मुझे उनकी इंट्यूटिवनेस हुई, नहीं तो कहते हैं कि कितने जन्मों से गुरु जी हमारे साथ थे। और मैंने किसी पुरानी संगत से सुना था कि अगर आपने 8 साल की तपस्या करी हो तो आप इस द्वार पे पहुंचते हैं। और देखिए जब आप गुरु जी को जानने लगते हैं, पहचानने लगते हैं, महसूस करने लगते हैं, तो ये मैटर नहीं करता कि आप उनसे कब जुड़े, कैसे जुड़े, क्यों जुड़े और कैसे आप इस द्वार पे गए। ऑल दैट मैटर्स कि आप यहाँ तक पहुंचे हैं इस द्वार पे जो ईश्वर का द्वार है। देखिए हमको इसीलिए, अब मैं अपनी पुरानी जर्नी को बहुत डिटेल में नहीं बोलती कि मेरी क्या सोच थी, बिकॉज हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं, दैट इटसेल्फ इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन आवर लाइफ कि इस जन्म में हमको ऐसे साक्षात पार ब्रह्म महाशिव गुरु के रूप में मिले हैं। नहीं तो कितने जन्मों बीत जाते हैं, लोगों को गुरु नहीं मिलता। और देखिए हमने कुछ मेहनत नहीं करे, हमें साक्षात ईश्वर के जलवे मिल रहे हैं। अब मेरी ये 4 साल की जर्नी में जैसे मैं गुरु जी के साथ जुड़ी, उन्होंने मुझे धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस देने शुरू करे, और मैंने अपनी जर्नी में सत्संग सुन सुन के ये रियलाइज किया कि गुरु जी की टीचिंग्स इतनी सिंपल हैं और बहुत उनको फॉलो करना आसान है। और मैंने उनकी सारी टीचिंग्स को फॉलो करना शुरू कर दिया। और जैसे मैं जो सुनती थी, जैसे गुरु जी कहते हैं कार्य और कर्म को मैं देखता हूँ, और मैं जैसे उनको अपने मन में ऐसा रमाया हुआ था कि 24 घंटे उनका मनन करती हूँ ताकि मेरे से कोई गलती ना हो, और मैं हर रोज रात को गुरु जी से माफी मांगती हूँ कि अगर आज के दिन मेरे से कोई गलती हो गई कि मैं आपकी शिक्षा के अगेंस्ट गई हूँ या मैंने किसी को गलत बोल दिया। तो ये जो है गुरु जी हमारे अंदर है, जैसे ही आप ये समझेंगे कि गुरु जी इज इन आवर यू नो माइंड सोल बॉडी, आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे। अब देखिए थोड़ी सी गुरु जी ने मेरे को अपनी जर्नी में सबसे बड़ा जो उनको मुझे मुझे गिफ्ट मिला है गुरुबानी से मिला है। और जैसे मैं गुरुबानी को सुनती हूँ और सीखती हूँ, गुरु जी उनके मुझे साक्षात सत्संग देते हैं, जैसे कबीर जी के, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु नानक जी, रविदास जी, नामदेव जी
और ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, सबके उन्होंने मुझे दर्शन दिए और सबके स्थानों पे मुझे लेके गए कि जहाँ पे ये बीइंग अ प्रैक्टिकल गुरु। और मैंने जरा सी मैं जिज्ञासा स्टार्ट करती हूँ शब्द की और गुरुजी मुझे उनके दर्शन देते हैं। देखिए, एक छोटा सा मैंने अपने सत्संग में दो लाइनें बोलनी शुरू करी, दे शिवा वर मोहे शुभ कर्मन्ते कभी ना टरो, ये गुरु गोविंद सिंह जी का है। और आज मेरी जर्नी उनकी इतनी आगे बढ़ गई है कि उनके मुझे बहुत दर्शन होते हैं और उनके बारे में मैं पढ़ती हूँ, उनके शब्द को सीखती हूँ। तो ये आप जरा सी भी अपनी जिज्ञासा को खोलेंगे तो गुरु जी आपको कहाँ तक लेके जाते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। अब मैं अपने एक्सपीरियंसेस, मैंने सोचा कि मैं कौन से, बहुत एक्सपीरियंसेस हैं तो मैंने मन में दो तीन एक्सपीरियंसेस सत्संग सोचे हुए हैं, जिसमें एक बड़े इनोसेंट प्यार वाले सत्संग है कि गुरुजी भक्त का भाव देखते हैं, और एक है कि स्पिरिचुअल सत्संग है, और दूसरा गुरुजी ने मेरे को बहुत डीप फ्रेग्रेंस बटरफ्लाई एंड पीकॉक के बारे में समझाया है कि जो जिसको हम ऑर्डिनरी देख के खुश हो जाते हैं उसके कितने डीप मीनिंग्स हैं, उसमें से शायद मैं एक एक लूंगी। अब देखिए, जब गुरुजी के सत्संग करने से पहले, अपने एक्सपीरियंसेस बताने से पहले, मैं गुरुजी की दो तीन टीचिंग्स के बारे में जरूर बोलना चाहती हूँ, क्योंकि सत्संग वो सबको देते हैं, हमको गुरुजी की टीचिंग्स को अपने सत्संग में जरूर बोलना है, क्योंकि यही हमको आगे स्प्रेड करना है। जितना हम ये टीचिंग्स को सुनेंगे उतना हम अपने उसको समझेंगे और उसका प्रयोग करेंगे। देखिए, सबसे जो गुरुजी की पहली टीचिंग है मेरे हिसाब से वो ग्रेटिट्यूड है, कि आप ग्रेटिट्यूड करिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू टू रीचिंग गुरु जी, आई फील दैट। और अगर आप ग्रेटिट्यूड में हैं तो आप अमीर हैं, और अगर आपने ग्रेटिट्यूड नहीं किया तो आप अमीर होके भी गरीब हैं। और उसके बाद कहते हैं कि आप जो ग्रेटिट्यूड को एक चोले की तरह पहनिए ताकि वो आपके जीवन के हर पल हर कोने तक पहुंचे। ये ग्रेटिट्यूड, हमको इतना हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड होना चाहिए गुरु जी के ने, जो हमको, मेरे हिसाब से ये दिस इज दी ओरिजिनल वॉइस ऑफ गुरु जी। उसके बाद जो सेकेंड जो बहुत बड़ी टीचिंग है वो है कि ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीतना, विनिंग ओवर दीज फाइव दिखा दीज, ये भी हर बाणी में बहुत बोला जाता है, सब पाठों में बोला जाता है, और ये एक ऐसी लड़ाई है जो शायद घमासान लड़ाइयों से भी ज्यादा गहरी है। इसमें देखिए, गुरु नानक जी का मैंने कहीं पढ़ा था, वो क्या इनके लिए कहते हैं, ये बहुत सुंदर लाइनें हैं। गुरु नानक जी इन्हें पांच शूर वीर चोर कहते हैं, जिन्हें हम सत संतोख दया धर्म सत्य से जीतना है हमें। अब वो गुरु नानक जी कहते हैं, जिन मिल मारे पांच शूर वीर ऐसा कौन बली रहे, तो ऐसा कौन बली है कि ये चारों को मार सके। और यही गुरु जी हमको सिखा रहे हैं कि हमको इन सब से जीतना है, और हम लोग को सबको कोशिश करनी है। देखिए, पूरा कोई भी नहीं कर सकता है, जितना आप कोशिश करेंगे उतना गुरु जी आपके अंदर समाते जाएंगे, आपकी सोल में आते जाएंगे, जितना आप इन पांचों से आप जीतने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देखिए, ये जो डिजायर्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं, इनको हमें देना देने में सीखना चाहिए। अगर आप किसी को वस्तु या पैसा धन नहीं दे सकते तो आप उनको प्यार दीजिए, समय दीजिए, केयर करिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनिए, और अगर कोशिश करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। और जरूरी नहीं है कि आपको धन देना है, आपको क्रोध को कंटेंटमेंट में कन्वर्ट करना है, और लोभ और जो ग्रीड है उसको हमें दया में कन्वर्ट करना। ये नहीं सोचिए कि सब हम ही, हमारे लिए ही सब कुछ है, और कंपैशन करिए, सबको एक समान समझिए और सरबत का सोचिए, ना कि सिर्फ अपना। उसके बाद जो सबसे बड़ा मैंने सीखा, अहंकार ईगो, और ये गुरु जी की सबसे बड़ी टीचिंग है, जिसमें वो कहते हैं कि हमको इसको, अहंकार को किस में कन्वर्ट करना है, एक ओंकार। देखिए, हम सत्संग शुरू होता है, हम ये एक ओंकार बोलते हैं, तो हमें उसको एक ओंकार में कन्वर्ट करना है। व्हाट इज एक ओंकार? एक ओंकार इज परमानेंट ट्रुथ, आज सच जुगाद सच होसी भी सच। तो ये जो है, हमें जैसे कहते हैं कि हम सब एक हैं, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से जग उपजा कौन भले कौन मंदे। तो हमको सी द लाइट इन एवरी वन, सबको एक बराबर समझिए। और ये जो पांच चोर हैं, ये मैंने कहीं ऑटोबायोग्राफी में पढ़ा था कि हम लोग सब इम्परफेक्ट हैं, ईश्वर है जो परफेक्ट है, हमारे अंदर बुराइयां भी हैं अच्छाइयां भी हैं,
इसमें से हमको ये सत्य को निकालना है, इन पांचों को जीत के। और जैसे ही आप ये सत्य को निकालेंगे तो आप गुरु जी को अपने अंदर पाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें ये टीचिंग सीखी। उसके बाद एक गुरु जी की बहुत बड़ी टीचिंग है, फॉरगिवनेस, माफ करना। देखिए, हमारी लाइफ में बहुत लोग आते हैं जो हमें दुख दे जाते हैं और दुख दे रहे हैं, हमको उनको फॉरगिवनेस गुरु जी हमको सिखा रहे हैं। और एक गुरु जी ने मुझे बहुत बड़ा पर्सनल फॉरगिवनेस के ऊपर सत्संग दिया है, जो मैं आज अभी बताऊंगी। उसमें एक और मैंने ये बात सीखी कि आप किसी को अलाउ नहीं करिए कि वो आपको दुख दे सके। इफ यू अलाउ देन दे विल गिव यू पेन। एंड अगर आपको पेन मिल रही है उनसे, इंसान से, तो आप गुरु जी के आगे अरदास करिए कि आप हमको गाइड करिए। और जब हमको क्रोध आता है, हम हर्ट होते हैं, तो आप हमें, हमारे को मार्ग दिखाइए, या आप उन लोगों को हमारी लाइफ से दूर करिए। एंड दिस अरदास वी कैन डू बिकॉज फॉरगिवनेस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। इट इट ब्रिंग्स, इट इज द बिगेस्ट वर्च्यू, इट इज द बिगेस्ट सेक्रीफाइस, एंड इट ब्रिंग्स पीस ऑफ माइंड इन योर माइंड, इन योर फैमिली, इन योर फ्रेंड्स, इन योर लाइफ, सो ये बहुत बड़ी गुरु जी की टीचिंग है। उसके बाद एक है कि सफरिंग। सफरिंग जो है ये हम सबकी लाइफ में आती है। और मैंने ये नोट करा है कि जब आपको सफरिंग मिलती है तो आपकी सोल भी एलिवेट होती है। देखिए, हम लोग की लाइफ में 3-4 सालों में, हम सबकी लाइफ में सफरिंग्स आई हैं ये कोविड के टाइम में। आप देखिए कि हम गुरु जी से कितना जुड़े। और ये हमको इस बात का सोचना है कि जो हमारी सफरिंग्स आ रही हैं, ये 90% गुरु जी ले रहे हैं और 10% हमको दे रहे हैं। और वो भी कब दे के लेके चले जाते हैं हमको पता नहीं लगता है। सो दैट्स इज ग्रेस ऑन अस। एंड जैसे कहते हैं ना कि लाइफ इज अ हार्ड टास्क मास्टर हु फर्स्ट टेक एग्जाम्स एंड देन गिव्स लेसन्स। तो पहले ईश्वर हमारा इम्तिहान लेते हैं, फिर हमको शिक्षा देते हैं। तो ये मैंने गुरु जी की जर्नी में सीखा। और सबसे बड़ा जो सरेंडर, जो एक गुरु जी की टीचिंग है, देखिए सरेंडर मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। और मैंने तो, जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने बिल्कुल नहीं किया। मैं सत्संग जरूर करती हूँ, पर मेरी लाइफ में जरा सा भी कुछ होता है तो मैं बहुत विचलित हो जाती हूँ। अब देखिए, जो फेथ होता है वो 3 तरीके के होते हैं। अब 3 तरीके में से एक है कि आप गुरु जी को मानते हैं, आपका काम नहीं हो, आपने नाराज होकर छोड़ दिया। दूसरा ये कि आप बहुत फेथ रखते हैं और गुरु जी आपकी सुनते भी हैं, आपका काम भी करते हैं, आपको प्रॉब्लम्स कम में आपका हल कर देते हैं, आपका फेथ इंटैक्ट रहता है। बट द बिगेस्ट सरेंडर आई फील एंड विच आई रेड समवेयर, व्हाट इज दैट? और ये मैंने बहुत कम संगत देखी। और अभी जब हम, आप यहाँ अरदास पढ़ी जा रही थी, उसमें भी सरेंडर का ही के बारे में भी बोला गया है। तो व्हाट इज दैट? उसमें ये कि जो फेथ है हमारे गुरु जी के लिए, जो हमारे अंदर फेथ है, ये हमारी सोल में रहे और हमारी कोई डिमांड नहीं हो, चाहे हमारे साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, और उनकी रजा में रहना है। अपनी हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है। और हमको सरेंडर क्या करना है? सरेंडर टू व्हाट इज, लेट गो ऑफ व्हाट वॉज एंड हैव फेथ इन व्हाट विल बी। मतलब हमको जो हमारे साथ हो रहा है उसको हमको सरेंडर करना है, और जो हमारा निकल गया उसको हमको भूलना है, और जो हमारे आगे आएगा उसके बारे में हमको सोचना नहीं है, उसको हम गुरु जी को सरेंडर करना है कि जो होएगा आप अच्छा करेंगे। और नहीं तो हम देखिए अपने फ्यूचर की ही फिक्र करते रहते हैं। सो दिस इज व्हाट गुरु सेज, हैव फेथ इन व्हाट विल बी। हमको फेथ रखना है कि जो हमारे साथ होगा अच्छा होगा। और एक शब्द की मैं 2 लाइनें बोलती हूँ, जो सुख देता तुझे ही आराधिए, दुख में भी तुझे ध्याए। और ये अभी आपने अपने अभी प्लेलिस्ट में मोहल्ला 9 चलाया था शुरू शुरू में, वो भी क्या कहते हैं, सुख दुख जो परसे नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। जिसको सुख और दुख का से कोई असर नहीं होता, वो ही, और लोभ और मोह से, वो ही भगवान की मूरत है। और फिर मोहल्ला 9 में एक और शब्द की लाइन है, उस्तत निंदिया नाही जीही, कंचन लो समान, कहो नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे ते जान। जिसकी आप कोई बड़ाई करिए या निंदा करिए, उनको कोई असर नहीं होता। वो लोहा और सोने को एक बराबर समझते हैं। नानक कहते हैं कि वो ही मुक्ति के पाने लायक है। तो ये देखिए, ये मेरी छोटी सी, जो मैंने बहुत डीप टीचिंग्स हैं जो गुरु जी से सीखी हैं,
और बाकी उनकी बहुत टीचिंग्स हैं कि आप आ, आ, सेवा करिए, सिमरन करिए और दान करिए। ये तो हम लोग को हमारी लाइफ में आप सबके हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी टीचिंग्स थी। उसके बाद देखिए मैं अपने सत्संग शुरू करती हूँ। मेरा एक बहुत प्यारा सा सत्संग है। देखिए एक भक्त की कैसे गुरुजी अरदास सुनते हैं। ये 11 अप्रैल को मेरे घर में सत्संग होना था। संगत जी मैं बहुत मेरी इच्छा थी कि मैं सत्संग करूं, और 11 अप्रैल को मेरे बेटे का बिग बर्थडे था एंड ही इज नॉट लिविंग हेयर। तो मैंने उसके दिन सोचा कि मैं सत्संग करूंगी और मैंने इनवाइट भेजे। तो देखिए मुझे पता नहीं था, मैंने एक एक या दो ग्रुप में इनवाइट भेजे तो मुझे बहुत उस दिन फोन आने लगे, दिल्ली से, कहीं नोएडा से, गोविंदपुरी से, राजौरी गार्डन से, बहुत दूर दर से कि आंटी आपके घर में सत्संग है, हम आ सकते हैं। तो मैंने एक दो को मना कर दिया, जो मुझे बाद में बहुत बुरा लगा और मैंने मन में उनसे माफी मांगी क्योंकि मुझे नहीं पता था। अब देखिए मैंने गुरुजी के आगे अरदास करी कि गुरुजी देखिए मैं पहले पहली दफा करा रही हूँ और मुझे नहीं पता कितने लोग हो जाएंगे, हम मैं खुद लंगर हम बना रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि कि मेरे से मैनेज ना हो और मैं आपसे लॉ लगाना चाहती हूँ, कंसंट्रेशन करना चाहती हूँ, ना कि मैं टेंशन करूँ। आप देखिए संगत जी, गुरु जी मेरी 2 साल से जोत पे, जोत की दीवारों पे और सब जगह दर्शन देते हैं। उन्होंने मुझे एक दर्शन दिए जिसमें बहुत लोग चल रहे हैं और आगे वो चल रहे हैं उनके साथ। तो मैं थोड़ा सा और घबरा गई, फिर मैंने उनके आगे दोबारा अरदास करी। तो देखिए उन्होंने मुझे अगले दिन क्या दिखाया, बहुत बड़ी रेखा, लक्ष्मण रेखा दिखाई और काटते दिखाया हुआ, और आधे लोग उसमें से कट गए और आधे उनके आगे चल रहे। तो मैं समझ गई कि देखिए गुरुजी ने मेरी पुकार सुनी है। और वही हुआ कि उस दिन उतने ही लोग आए जितना मैंने सोचा था, और मैं बहुत कंफर्टेबल से मैंने सबका लुक आफ्टर करा और हमारा बहुत अच्छा सत्संग हुआ। अब देखिए उसमें जो पूजा की थाली थी, गुरुजी ने कैसे मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया। पूजा की थाली में जब मैंने स्वीट्स डाली तो मैं क्या देखती हूँ, उसमें एक स्वीट जो है वो गणेश बनी हुई निकली। तो मैंने सोचा कि गर्मी का महीना है, कोई स्वीट का रैपर खुल के बन गया है। आप संगत जी मानेंगे नहीं, वो 2 पैकेट थे। एक एक कागज को मैंने देखा, वहां कागज नहीं था, बल्कि मुझे किसी ने बोला कि आप गुरु जी के ऊपर डाउट करते हैं, कि आपको विश्वास नहीं है। तो उन्होंने मुझे गणेश के रूप में सचखंड के उसमें प्रसाद दिया मेरे बेटे के लिए। और फिर हमने जब प्रसाद बांटा, जैसे ही मैं जिस जिस के हाथ में हम प्रसाद बांट रहे थे उनके हाथ में गणेश बन रहा था। बल्कि एक आंटी ने तो मुझे बोला कि मैं घर लेगी, मैंने खाया नहीं कि मैं बच्चों को दिखाना चाह रही थी। तो ये गुरु जी की लीला है कि उन्होंने आपको कैसे कब आशीर्वाद देना है और कैसे देना है। उन्होंने मेरे बेटे को, और पहली दफा वो मेरे घर में आए तो उनका लाख लाख शुक्राना, थैंक यू गुरु जी आपका। उसके बाद देखिए एक और बड़ा मेरा छोटा सा और छोटा सत्संग है, जीरो के ऊपर, शून्य के ऊपर। ये 14 सितंबर को मैंने एक सत्संग किया था श्वेता कोहली सिडनी प्लेटफॉर्म पे, और वो मेरा बहुत ही बहुत डीप सत्संग है, जो शायद मैंने आज तक इतना बड़ा सत्संग नहीं करा। और वो नया प्लेटफॉर्म था मेरे लिए और उन्होंने भी पहली दफा इसको यूट्यूब में डाला। संगत जी उसमें मैंने जो जो बोला गुरु जी ने आज हर सत्संग को मेरा इतना बढ़ा दिया कि उसका कहीं अंत नहीं नजर आता। उसमें देखिए मैंने एक बात बोली थी कि हमको शून्य बन के रहना है, हमको जीरो बन के रहना है, क्योंकि जीरो मींस नथिंग। हमको मूर्ख बन के बिल्कुल एब्सोल्युटली जीरो, मतलब कुछ भी नहीं है, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, तब आप गुरुजी के दरबार में जाइए। और जैसे जीरो को हम किसी नंबर के साथ लगाते हैं तो उसकी कितनी वैल्यू बढ़ जाती है, वो अगर आप एक नंबर के आगे जितनी जीरो लगाएंगे उतनी वो इन्फिनिटी तक पहुंचेगा। ऐसे ही हम जब गुरुजी के साथ जुड़ेंगे तो हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। देखिए ये मैंने सिर्फ सत्संग करा, अब आप देखिए गुरुजी की लीला, वो कैसे आपको बताते हैं कि वो सुन रहे हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप जो भी सत्संग कर रहे हैं, जहां भी सत्संग हो रहा है, गुरुजी विराजमान है और आपकी हर बात को सुन रहे हैं। और ये उन्होंने मुझे हर सत्संग में पर्सनल करके दिखाया कि जो मैंने बोला है गुरुजी ने या तो मुझे साक्षात उसको ज्योतों में दिखाया है या किसी ना किसी के थ्रू उन्होंने मुझे बताया। अब देखिए ये मैं देखने लगी, ये मेरा सत्संग मुझे बहुत प्यारा है, तो मैं थोड़े थोड़े दिनों के बाद देखती थी तो मैं उसमें देखती थी इतनी जीरोस बनती जा रही है। देखिए
मेरी कोई औकात नहीं है कि कोई इतने लोग मुझे सुने। और जब मैं उसको खोलती थी तो देखती थी उसमें या तो 7 नंबर होता था या 0 0 0 के व्यूज होते थे, जैसे 70th डे में 11,000 जीरोज हो गए। तो मुझे ये लगा कि ये गुरुजी, फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने 0 के लिए बोला था, तो ये मुझे गुरुजी वैलिडेट कर रहे हैं कि मैं तुम्हारा सत्संग कहाँ कहाँ तक पहुंचा रहा हूँ, कितने लोग तुम्हारा सत्संग सुन रहे हैं। तो ये मेरी कोई अहंकार नहीं है, कोई ईगो नहीं है, ये गुरु का प्यार है कि वो मुझे, उन्होंने मुझे मेरे कंठ पे आते हैं और बोलते हैं। आप देखिए वो आगे कैसे गुरु जी आपको बताते हैं कि उन्होंने ये मेरा सत्संग सुना। ये एक दिन मैं वॉक कर रही थी तो मैंने अपने कान में, ये कुवैत का प्लेटफॉर्म पे सत्संग चल रहा था, उसमें एक व्याख्या चल रही थी, उसमें उन्होंने यही बोला कि हम लोग सिफर हैं, हम लोग जीरो हैं, और जब आप गुरु के साथ जुड़ते हैं तो इतनी जीरो लग जाती है कि वो गुरु की, आप समझिए, ब्लेसिंग्स है। तो ये मुझे समझ आया कि ये गुरु जी जो मुझे इतनी जीरोस दिखा रहे हैं, जब मैं खोलती हूँ तो मुझे सिर्फ जीरो जीरोस नजर आती हैं, तो ये गुरु जी के मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स है। उसके बाद एक और मैंने पुरानी संगत का सत्संग सुना, उन्होंने बोला कि उन्होंने जलंधर में, अभी लेटली सुना कि जलंधर में एक डॉक्टर कपल आता था, तो गुरुजी ने उनको बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी, उनको औलाद दी 14 साल के बाद। तो गुरुजी ने कहा, तो किसी ने उनको कहा कि आपने इनको तो बहुत जल्दी दे दी, तो गुरुजी ने कहा कि ये मेरे द्वार पे शून्य बन के आए। तो आप देखिए कि आपका गुरु, आपने किस सोच से बोला और आपके गुरु आपको कहाँ तक लेके जाते हैं बताने के लिए। तो संगत जी ये मेरा जीरो के ऊपर सत्संग है। अब तीसरा मेरा एक बहुत बहुत बड़ा सत्संग है जिससे हमारे लिए बहुत बड़ी टीचिंग है, फॉरगिवनेस के ऊपर, और उसके पीछे एक और मैसेज है कि गुरु जी हमारे को हर समय देख रहे हैं, हमारे अंदर हैं। और ये जो मेरा सत्संग है ये प्रूव करता है कि गुरु जी ने जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं और जो हमारे अंदर माइन्यूट भी थॉट होती है, गुरु जी नोज अबाउट इट। अब देखिए ये सत्संग जो मेरा है, ये कुछ महीने पहले क्या हुआ, मुझे किसी ने मेरे से मिसबिहेव किया जो मुझे बहुत बुरा लगा। जैसे कोई चीज होती है कि आपको बहुत बुरी लगती है, तो मुझे लगा कि मैं इसको कन्फ्रंट करूंगी एंड आई विल टॉक अबाउट इट बिकॉज आई वॉज वेरी हर्ट। अब देखिए मेरे गुरु की कृपा, वो नहीं चाहते थे कि मैं इस बात को बात करूं क्योंकि ही डिड नॉट वॉन्ट माई सोल टू गेट हर्ट। क्योंकि आप जब किसी से आर्ग्यू करोगे तो वो आगे बात बढ़ेगी और उससे आपका एटमॉस्फेयर, फैमिली का या फ्रेंड्स का, जहां भी जिसने भी बोला वो खराब होएगा और आपके मन में आपका दिल दुखेगा, आपके वो जल, आपका दिल खराब होएगा। और आप तो ये गुरुजी नहीं चाहते थे। अब देखिए गुरुजी ने मुझे कैसे समझाया कि एक गुरु अपने भक्त के लिए कहाँ तक पहुंच सकते हैं, उनकी कोई चरम सीमा नहीं है, ये मेरा सत्संग बताता है। देखिए सुबह क्या हुआ, एक दो प्ला एक प्लेटफॉर्म पे एक आंटी ने सत्संग किया जिसमें उन्होंने बोला पेशेंस पेशेंस पेशेंस। फिर उन्होंने 15 मिनट के बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पे वही सत्संग किया और बोला पेशेंस पेशेंस पेशेंस। तो मैं ये समझ गई कि ये मेरे लिए मैसेज है। और उन्होंने ये भी बोला कि मुझे नहीं पता कि मैं ये सत्संग 2 बार क्यों कर रही हूँ, आई एम वेरी बिजी, वो स्कूल में प्रिंसिपल है। तो ये मैं समझ गई कि गुरु जी ने मेरे लिए बोला है कि मुझे पेशेंस रखनी है। उसके बाद देखिए मैंने अपनी जोत जलाई, तो जो जोत थी वो राइट से लेफ्ट 1 घंटा वो चलती रही लाइक अ पेंडुलम, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। और इसका मतलब क्या है, गुरु जी मुझे समझा रहे थे नो नो नो। अब और ये इतना घी डला था जो 1 घंटे के अंदर खत्म हो गया बिकॉज इट वॉज मूविंग सो रैपिडली। और जो उन्होंने थर्ड मेरे को बताया, मेरे घर में मेरी लड़की ने मुझे बोला कि दीदी मुझे सपना आया कि आप सुबह किसी को डांट रहे हो, उस बंदे को डांट रहे हो जो बहुत अच्छी है, तो कह आप बहुत जोर जोर से डांट रहे हो। तो कहती है मुझे लगा कि आप क्यों डांट रहे हो, आप तो कभी डांटते नहीं हो। तो मेरे को उस टाइम संगत जी समझ आया कि गुरु जी ने मेरा गुस्सा उसके सपने में निकाला है। फिर भी मेरे को समझ नहीं आया बिकॉज आई वॉज वेरी हर्ट। और मुझे किसी ने बोला कि तुमको बात करनी चाहिए, तुमको इतना नहीं सहना चाहिए। अब देखिए मेरे गुरु की कृपा कहाँ तक जाती है। देखिए मैं गाड़ी में जा रही हूँ इसमें गुड़गांव अपनी सिस्टर के साथ, तो जो ये संगत मेहर गांधी है जो मेरे, जिनके घर से मैं जुड़ी हूँ,
और गुरु जी इज इन कम्युनिकेशन विद हर, उसको बताते हैं और ऐसी ऐसी बातें बताते हैं उन्होंने उसको, मेरे बारे में उन्होंने बहुत बातें बताई हैं और ऐसी बात बताई है जो किसी को नहीं पता है। तो उसका मुझे फोन आता है और दोपहर को 3:30 बजे मैं गाड़ी में होती हूँ तो मुझे कहती है कि आंटी गुरु जी कह रहे हैं कि मधु दे नाल गड्डी विच गुड़गांव जांदी पई है और बोलती पई है चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन नॉनेथ नाइन ट्रेजर। एंड देन शी सेड कि आंटी नाइन ट्रेजर कह रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये नाइन ट्रेजर क्या होता है। और संगत जी जब ये मैंने सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि यही मैं 4 वर्ड्स अपनी सिस्टर को जिनका नाम मधु है बोल रही थी और सेम सीक्वेंस में मैंने बोला, देखिए वो कहाँ पर बैठी हुई है, कहाँ मैं जा रही हूँ, एंड शी इज नेवर मेट माई सिस्टर, शी डज नॉट नो माई सिस्टर्स नेम। अब ये देखिए कि इसके पीछे कितने लोगों के लिए मैसेज है, ये मैं आपको बताती हूँ कि गुरु जी ने एक एक ये उसको बताकर कितने लोगों के लिए और मेरे लिए मैसेज है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, और फिर वो कहती है कि आंटी गुरु जी कह रहे हैं व्याख्या कर दी गई है। अब इसके पीछे मैं आपको मैसेजेस बताती हूँ कैसे हैं। सबसे बड़ा मैसेज मेरे लिए कहते हैं कि गुरु आपको 3 बार बोलते हैं, ये मैंने बहुत पुरानी संगत सब संगतों से सुना है कि गुरु जी आपको 3 बार बोलते थे, उसके बाद वो आपको आपको अपनी अपने उस पे छोड़ देते थे। और देखिए गुरु जी ने 4थी बार आकर किसी उसके थ्रू आकर मेरे को बताया कि मुझे ये नहीं करना है। और दूसरा क्या है कि मेरी सिस्टर बोलती थी कि तेरे को इतने सत्संग देते हैं तो मेरे को जानते हैं कि नहीं जानते, देखिए उन्होंने मधु का नाम लिया तो वो उन सबको जानते हैं। उसके बाद देखिए कहते हैं व्याख्या करती पई है, तो ये जो व्याख्या है मेरे, मैं जब भी सत्संग करती हूँ मैं गुरु बानी को लेती हूँ और मैं व्याख्या उसमें 1-2 लाइनों की जरूर करती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से हम जो गुरु बानी सुनते हैं अगर आपने उनके मीनिंग नहीं समझे तो ये व्यर्थ है, क्योंकि हर लाइन में गुरु बानी में इतना बड़ा सार निकल के आता है जब आप गुरु बानी को समझने लगते हैं। तो और दूसरा क्या है कि जो मैंने ये 4 लफ्ज बोले थे अपनी बहन को बता रही थी वो मैं व्याख्या ही कर रही थी। अब मैं आपको बताती हूँ वो मैं क्या व्याख्या कर रही थी और आप देखेंगे कि गुरु जी की उनकी कहाँ तक वो लेके जाते हैं। देखिए एक मैंने शब्द सुना था, वो मैं उसकी 4 लाइनें बोलती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे गुरु जी ने उसको वैलिडेट करा। वो शब्द था कि जिसनो तू रखवाला मारे तिसे कौन, जिसनो तेरी नदर लेखा ना पूछिए, जिसनो तेरी खुशी नौ नित भुंचिए। नौ नित मीन्स 9 ट्रेजर। सो आई वाज यू नो आई लाइक दिस शब्द, ये मैंने उस दिन कहीं सुना, मुझे बहुत पसंद आया और मैंने 1-2 जगह बोला कि ये आप ना जरूर चलाइए, बहुत अच्छा शब्द है। तो देखिए ये जो शब्द है इसमें नौ नित क्या होता है, 9 ट्रेजर्स। 9 ट्रेजर्स आई वाज एक्सप्लेनिंग टू माई सिस्टर, क्योंकि जब ये मैंने 4 लाइनें सुनी, और ये नौ नित बहुत जगह आता है, देखिए हनुमान चालीसा में भी आता है नौ नित पाइये बुद्धिहीन तनु जान के, उसमें भी नौ नित का नाम आता है। तो ये मैंने गूगल करके देखा, देखिए नौ नित क्या होता है, आपके वर्ल्ड जो वर्ल्डली प्लेजर होते हैं वो होते हैं चिल्ड्रन ग्रैंड चिल्ड्रन ऐश्वर्य पैसा मकान, और यही मैं अपनी सिस्टर को समझा रही थी जिसमें मैंने चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन कहा था। पर असली नौनित क्या होता है, 9 ट्रेजर्स स्पिरिचुअल ट्रेजर्स क्या होते हैं, और यही जपजी साहब भी कहते हैं, दैट इज यू नो ह्यूमिलिटी मेडिटेशन सेवा सिमरन कंटेंटमेंट और यू नो डेथ, आपको डेथ का पता होना चाहिए, उसका उसके भय से आपको निकलना चाहिए, यू शुड नो द रियलिटी ऑफ डेथ, और उसके अलावा आप मस्त कलंदर रहिए कि आप दुनिया में रहिए पर आप उस सबके बीच में भी आप मस्त रहिए, मतलब अपने गुरु से जुड़े रहिए। सो दीज आर दी 9 ट्रेजर्स, में ब्रदरहुड भी है, साथ संगत से मिलके रहिए। तो ये मैं अपनी सिस्टर को बता रही थी। और दूसरा देखिए गुरु जी ने मुझे ये वैलिडेट करके बताया कि ये किसी की लिस्ट में चले या ना चले, तुम ये बानी को सीख रही हो और तुम ये तुम्हारी जर्नी है, इसको सीखते रहो, और ये गुरु जी ने मुझे वैलिडेट करके दिखाया। और उसके बाद एक मैसेज क्या था
कि हम सब संगत डाउट करते हैं कि इसको दर्शन कैसे होते हैं, इसको सुनाई कैसे देता है, इसको ड्रीम में कैसे आते हैं। और संगत जी, ये गुरु जी ने मुझे वैलिडेट करके दिखाया, इस बच्चे को मैं बिल्कुल डाउट नहीं करती थी। पर कभी कभी आपके मन में ये ख्याल आता था कि आवाज गुरु जी की कैसे आती है। देखिए, गुरु जी ने वो वैलिडेट करके बताया कि ये जर्नी जो है, ये उसकी उसकी अपनी है, उसने गुरु जी ने उसको चूज करा हुआ है। ही इज इन कम्युनिकेशन विद हर। और मैं बहुत जगह, कई जगह सुनती हूँ, बहुत कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि ड्रीम में आते हैं। और मुझे भी किसी ने एक बार बोला कि आंटी आप, एक दो संगत ने बोला कि आपको ज्योत में कैसे दर्शन होते हैं, आप मेडिटेट नहीं करते, आप दर्शन को ही देखते रहते हैं। तो गुरु जी ने उनसे माफी मंगवाई। तो ये गुरु जी की लीला है, वो उन्होंने चूज करना है कि आपकी जर्नी उनके साथ कैसी है। और मैं ऐसी ऐसी संगत को जानती हूँ जिनको गुरु जी एग्जैक्टली बताते हैं, उनके ड्रीम में आके रोज उनको गाइड करते हैं। तो ये हम सबकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, हमको डाउट नहीं करना। और जो कोई झूठ बोलता है, उसने गुरु जी के आगे अपने उनके कर्म है, तो हमने जो जैसी संगत बोलती है हमने उसको मानना है। और मैं विश्वास करती हूँ क्योंकि ये मेरी जर्नी में हो रहा है मेरे साथ। आप देखिए, एक मेरा बहुत छोटा सा प्यारा सा सत्संग शुरू हुआ था, और आप देखिए वो कहाँ तक स्पिरिचुअल पहुंचता है। आप गुरु जी की रेंज को देखिए कि कैसे। और ये जो मेरा इतना प्यारा सत्संग है कि जब मैंने पहली दफा किया था तो थोड़ी मुझे शर्म आई थी, और आज देखिए ये इतना बड़ा सत्संग हो गया है। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज से 4-5 महीने पहले किसी सत्संग में जा रही थी, तो मैंने अपना एक सूट निकाला तो वो बड़ा ब्राइट सा था। तो मुझे किसी ने कहा, मेरी लड़की ने कहा कि नहीं आप ये पहनो, 4 साल से वो मैंने पहना नहीं था। तो वो जब मैंने पहना तो मैं वहां गई तो देखा कि जो मैंने पहना था उसी कलर का वहां पे चोला था गुरु जी का। आप ये जब ये मैं बैठी हुई थी तो मैंने थोड़ी देर के बाद नोट करा कि मेरी कमीज के आगे बॉर्डर नहीं है। तो मैंने कहा कि मैंने प्रेस किया था तब तो बॉर्डर था, ये कहाँ चला गया। तो संगत जी, मैंने देखा कि मैंने उल्टी शर्ट पहनी है। तो मैं बड़ी, मुझे शर्म हुई, शर्म आई। तो मैंने कहा मैं उठ के जाती हूँ और जाके चेंज करके आती हूँ, कोई देख ना ले। तो मैंने क्या बोला गुरु जी को, मैंने कहा गुरु जी मैं तो क्रेजी हो गई हूँ कि मैंने ये भी नहीं नोट करा कि पहली दफा मैंने उल्टी शर्ट पहन ली। आप देखिए गुरु जी की लीला। संगत जी, 5 मिनट के बाद एक शब्द चालू होता है, मैं बोरी मैं बोरी मैं बोरी। और ये मैं बोरी 6 दफा बोलता है, मेरा राम भतार, रच रच करू सिंगार, वाद विवाद काहू से न कीजिए, राम रसायन रस पीजिए। तो देखिए, ये शब्द मैंने आज तक कभी नहीं सुना था। तो मैंने एकदम अपना फोन निकाला क्योंकि वो बौरी इतना ज्यादा उस शब्द में आ रहा था, तो ये मेरी इतनी जिज्ञासा बढ़ी। तो मैंने एकदम अपना फोन निकाल के, वैसे मैं फोन को यूज नहीं करती और मेरे से रहा नहीं गया, और मैंने बौरी का मतलब सुना तो कहते हैं क्रेजी इंग्लिश में। आई वॉज शॉक कि देखिए मैं गुरु जी को अभी बोल रही हूँ कि गुरु जी आई एम क्रेजी। और ये शब्द मैंने किसी सत्संग में नहीं सुना था जो वहां पे सुना। तो ये गुरु जी आपकी हर बात को, आपकी थॉट को सोचते हैं। अब देखिए, जब मैंने ये शब्द सुना मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने देखा ये नामदेव जी का शब्द है। और मुझे नामदेव जी के और शब्द का पता था, जैसे उनके ये है, संसार समुंदे पार गोविंदे, मो को तार ले रामा, और एक है कि ये है एक और इनके। और ये जो है, ये नामदेव जी जो है, ये विठल के बहुत बड़े भक्त थे। इनको विठल कृष्णा का रूप है, बहुत दर्शन दिए हैं उनको, 72 टाइम्स उन्होंने दर्शन दिए। ये 13th सेंचुरी के गुरु हैं, जो गुरु नानक जी, कबीर जी और रविदास से पहले के हैं। और इनके देखिए 61 शब्द गुरुबानी में लिखे गए हैं। और इनको इनके अभंग जो मराठी में लिखे गए हैं, पूरे महाराष्ट्र में इनके भजन गाए जाते हैं। और इनका एनुअल जो विठल मंदिर पंढरपुर में जो इनका फेस्टिवल होता है, लोग इनका बजाते हुए गाते हुए जाते हैं। और इनके बहुत सुंदर अभंग हैं, बहुत मधुर है, पूरे महाराष्ट्र के ये गुरु हैं। तो ये इनको गुरु नानक जी ने भी बहुत इनके बारे में बोला हुआ है। अब आप देखिए कि गुरु जी की लीला, वो मुझे, जब मैंने इनके सारे शब्द को सीखना शुरू करा तो गुरु जी मुझे उनके कहाँ तक, बीइंग अ प्रैक्टिकल गुरु, कहाँ तक लेके जाते हैं। इनका इनका मैंने एक एक शब्द है, और ये मैंने कहानी सुनी थी कि ये
इनके एक बार ये दिल्ली आए हुए थे और दिल्ली से ये पंजाब गए, जहाँ पे ये 10-15 साल रहे। इनके नाम का वहां पे गुरुद्वारा भी बना हुआ है, इसीलिए इनकी गुरुबानी में इनके इतने सारे शब्द हैं। तो ये जब दिल्ली में थे तो ये भजन गाते थे, तो यहाँ का जो सुल्तान था उन्होंने इनको पकड़ लिया और इनको फांसी की सजा देने लगे कि तुम अपना धर्म बदलो। तो इन्होंने कहा मैं नहीं धर्म बदलूंगा। तो वहां यहाँ के राजा ने बोला, लोदी था आई थिंक, उसने कहा एक मरी हुई गाय इनके आगे रख दी कि तुम इसको जीवित करो। तो आप देखिए, ये इन्होंने कहा कि मैं जीवित नहीं कर सकता, आप मेरे को मार दो। तो बहुत लोग रोए, जो दिल्ली के लोग थे उन्होंने बहुत इनके पैर पड़े कि आप इनको मारिए नहीं, तो हम आपको सोने के सिक्के देंगे, आप जितना आपका वेट है आप इसको मारिए नहीं। तो इनकी मदर कहती है, इनकी मदर इनके साथ थी कि बेटा तू धर्म बदल ले, क्यों क्यों, ईश्वर तो एक है। और एक इन्होंने देखिए शब्द लिखा था जिसमें अल्लाह का नाम है, ये मैं शब्द पढ़ती हूँ। देखिए आप गुरु जी की लीला की, कहाँ मैं एक छोटी सी बानी सीख के गुरु जी कहाँ तक आपको लेके जाते हैं। देखिए ये एक शब्द है, मैं अंधुले की टेक तेरा नाम खुंदकारा, मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा, करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, हाजरा हजूर दरपेश तू मनही। तो इनकी मदर कहती है कि तू तूने अपने भजन में करीमा रहीमा अल्लाह बोला है, तो कोई बात नहीं, तू मुसलमान बन जा, तो ईश्वर तो एक है। अब आप देखिए ये जैसे ये करते हैं तो गाय गाय जीवित हो जाती है, तो ईश्वर की इतनी कृपा होती है इनके ऊपर। और बीइंग अ प्रैक्टिकल गुरु, देखिए दिसंबर के महीने में मेरे को, मेरी एक बहुत डियर फ्रेंड है जो मुझे विठल मंदिर पंढरपुर लेके जाती है। देखिए मैं विठल से बहुत सालों से एसोसिएटेड हूँ दिल्ली में, और विठल मंदिर से, और मुझे गुरुजी ने 2 साल पहले विठल के भी दर्शन दिए थे। वो ईंट के ऊपर, जो वहां की मूर्ति है, विठल ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं। और एक ये एक ऐसा मंदिर है कि जहां पर आप जाकर ईश्वर के पैरों के चरण स्पर्श कर सकते हो, नहीं तो आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो आप दूर से सिर्फ देख सकते हैं। आप देखिए मेरी कोई औकात नहीं थी वहां जाने की, ना मैं जा सकती थी, ये पूना से भी 4 घंटे दूर है। एक हमारी बहुत डियर फ्रेंड, मैंने उनको एक बार कहा था, वो मुझे लेके गई। देखिए मैंने विट्ठल के मंदिर करे, दर्शन करे, बहुत अच्छे दर्शन हुए, और उसके बाद वहां पर नामदेव जी का घर है जहां मैं गई, उनकी फैमिली के मेंबर से मिली, 70th जनरेशन वहां पे उनकी रह रही है, और जो उनका घर है वहां पे उनकी बहुत बड़ी उन्होंने मूर्ति लगाई हुई है। और जो ये विट्ठल मंदिर में नामदेव जी का द्वार है, जो वहां पे बैठ के वो विट्ठल की पूजा करते थे, और उनको जो दूध चढ़ाया जाता था वो कृष्ण जी उनको, विट्ठल उनको वो दूध पिलाते थे। तो इतने उनके वहां पे वो जो दरवाजा है उसका नाम भी नामदेव द्वार है। और ये सब मैं दर्शन करके आई, सबकी फोटो खींच के आई, तो देखिए कहाँ से मेरा अः सत्संग शुरू हुआ और उसके बाद कहाँ तक पहुंचा। अब देखिए ये मुझे नहीं पता था, मैं दिल्ली में आई और उसके बाद गुरु जी ने मेरे को नामदेव जी के मेरी जोत में दर्शन दिए। वो व्हाइट कपड़े पहना करते थे, धोती और तिलक होता था। तो उसके बाद मेरी एक संगत फ्रेंड ने बोला कि आंटी आप इतनी दूर गए तो आप साईं बाबा के मंदिर क्यों नहीं गए। तो मैंने कहा कि मेरे तो दिमाग में भी नहीं आया और ना ही मैंने सोचा, तो कोई बात नहीं, अब गुरु जी अगर जब लेके जाना होगा ले जाएंगे, अगर नहीं तो घर में दर्शन देंगे। संगत जी ये मैं बोल रही हूँ, और गुरु जी ने मेरी जोत में बहुत क्लियर साईं बाबा के दर्शन दिए, और उसके बाद नेक्स्ट दर्शन उन्होंने अपने रूप में क्रिएट, अपने रूप में उनके कन्वर्ट हो गए। तो मैंने सोचा कि ये गुरुजी का मैसेज आ गया, तो मैंने अपनी फ्रेंड को बता रही थी, तो वो मुझे कहती है कि आप, तेरे को तो गुरुजी बताएंगे कि तुझे जाना है कि नहीं जाना। उसी देखिए मैं घर आती हूँ और एक सत्संग, आपके हम बहुत प्यारी संगत है, उन्होंने न्यूयॉर्क में सोमरसेट में सत्संग किया था, तो उसने मुझे भेजा कि दीदी आप मेरा ये सत्संग सुनो छोटा सा। तो वो सत्संग में क्या कह रही है कि मैं शिरडी जाना चाहती थी और मैं मेरी बहुत इच्छा थी, पर मैं गुरुजी से जब जुड़ी तो मैं उनके सत्संग में गई, तो वहां मुझे साईं बाबा नजर आए और मैं उसके बाद शिरडी में गई। तो देखिए कैसे गुरुजी ने मुझे इंस्टेंट जवाब दिया कि जहां तुम्हें मैंने लेके जाना है वहां मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, और जहां तुमने
घर में दर्शन कर रहे हैं वो मैं तुम्हें घर में दर्शन कराऊंगा। आप इनकी वाणी से, इनसे जुड़िए, ये आपको कहाँ तक लेके जाते थे। ही इज अगम अगोचरा, इनका कोई अंत नहीं है आपको अपने बताने के लिए। आप देखिए, ये मुझे नहीं पता था कि जो नामदेव जी हैं वहां पे एक शिव का मंदिर है, और वहीं पे जहां मैं गई थी उससे थोड़ी दूर, जो मुझे पता नहीं था, शायद पता होता तो मैं जाती। तो गुरु जी ने मेरे को एक शब्द निकलवाया संगत जी, वो भी मैंने आज तक कभी वो शब्द नहीं सुना है। और जब ये मैंने सुना तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये क्या शब्द है। ये शब्द है, ज्यों ज्यों नामा हर गुण उचरे, भगत जना को द्योरा फिरे, हसत खेलत तेरे दौड़े आया, भगत करत नामा उठाया, हिंगड़ी जात मेरी जादम राया, ले कमली चले पलटे दोरे पीछे बैठा जाया। तो ये क्या कहते हैं कि नामदेव जी कहते हैं कि मैं जैसे तेरा आपका नाम लेता हूँ तैसे तैसे ये मंदिर का दरवाजा, द्योरा मीन्स दरवाजा इनका हिलने लग गया। और वो जो मंदिर है, क्योंकि इनको अंदर जाने नहीं दिया था तो ये कंबल उठा के पीछे चले गए थे। तो ये एक वहां पर मंदिर है जहां शिव जी की मूर्ति सामने है और नंदी जी के पीछे है, बिकॉज वो मंदिर पीछे, वो उसका जो दरवाजा था वो पीछे हो गया था ताकि नामदेव जी को ईश्वर के, शिव के दर्शन हुए। तो ये देखिए, ये मेरा नामदेव जी के ऊपर एक स्पिरिचुअल सत्संग था। ऐसे मेरे सब गुरुओं के ऊपर ऐसे ही स्पिरिचुअल सत्संग हैं। और अब मैं एक लास्ट में, बहुत मेरा बड़ा डीप सत्संग है कि गुरु जी ने मेरे को पीकॉक और बटरफ्लाई का बहुत बड़े डीप मीनिंग्स बताए हैं। क्योंकि हम लोग जब इन दोनों को देखते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं कि ये कि हमें गुरु जी दर्शन दे रहे हैं, बट जब आपको ये दोनों नजर आते हैं तो देर इज अ वेरी बिग मैसेज बिहाइंड इट कि हमको हमको उसको हमको अपने आप को कैसे बदलना है। अब देखिए, मैंने सुबह सोचा कि ये मैं सत्संग नहीं करूंगी क्योंकि ये बहुत हेवी और बड़ा सत्संग है, पर आप देखिए, जैसे ही मैंने सुबह अपनी ज्योत को जलाया और वो दर्शन नहीं, उसमें ऐसा वो ज्योत की शेप बनी जो पूरा पीकॉक बना हुआ था। तो ये गुरु जी की, मुझे लगा कि आज्ञा है कि मुझे ये पीकॉक का सत्संग करना है। तो अब आपको मैं अपना पीकॉक का सत्संग बताती हूँ कि क्या हुआ। देखिए, जब मैं 3 साल पहले कोविड शुरू हुआ तो मैंने गुरु जी के आगे अरदास करी, सब कुछ बंद था, तो मैंने गुरु जी के आगे अरदास करी कि गुरु जी मैं आपके साथ बैठ के अकेले रोज सत्संग करूंगी क्योंकि अब हमारे सत्संग बंद हो गए हैं, तो आप ना मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं रोज आपके सामने बैठूं और करूं। तो देखिए, ये 3 साल हो गए मैं सत्संग कर रही हूँ अपने रोज बैठ के, मेरा नियम है। और मैं कोई, वैसे कभी मैं कोई नियम पालन नहीं करती हूँ, पर ये गुरु जी मेरे से करवाते हैं। अगर मैं कहीं बाहर भी जाती हूँ तो मैं रात को आके करती हूँ। अब देखिए, जिस दिन मैंने पहले दिन किया, मेरी छत के ऊपर मोर आया, तो मैंने सोचा कि उन दिनों में बहुत पक्षी ऊपर आसमान में उड़ रहे थे, तो मैं ग्रीन बेल्ट के पास रहती हूँ, तो मैंने सोचा वहां से मोर आ गया होगा तो बस खुश हो, बात खत्म हो गई। देखिए, 3 दिन के बाद गुरु जी ने मेरे को, सॉरी, मेरी दीवार के ऊपर, किचन की दीवार पे एक मोर पंख छोटा सा चिपका हुआ दिखाया। तो मेरे को उसकी खुश हो गई और मैंने अपने मंदिर में वो रख दिया, फिर भी नहीं सोचा। उसके बाद देखिए संगत जी, मुझे गुरु जी ने इतने मोर के दर्शन दिए, दीवारों के ऊपर, जोत के अंदर, घी के अंदर ऐसे से नाचता हुआ मोर, एक उन्होंने मुझे मोर का दर्शन दिया जो शिवलिंग के ऊपर साथ वो खड़े हैं और उनके कंधे के ऊपर मोर है, एक उन्होंने मुझे मोर का दिया कि वो मोर के ऊपर बैठे हुए हैं। तो जब मुझे इतने दर्शन आने लगे तो मेरे को, मैंने फिर सोचना शुरू किया कि ये गुरु जी का क्या मैसेज है कि इतने क्लियर दर्शन आ रहे हैं तो मुझे मोर के क्यों दिखा रहे हैं। फिर मैंने बैक में गई और याद किया कि जब मैंने सत्संग किया था तो गुरु, ये मोर आया था, और मैं फिर मैंने मोर मोर के बारे में पढ़ना शुरू किया। अब आप देखिए, जब आप, मैं आपको बताऊंगी कि मोर को देखने से क्या मतलब होता है, तो आप, आपको समझ आएगा कि गुरु जी आप क्या चाहते हैं कि आप क्या बने। अब देखिए, मोर का जो, मैं शुरू में थोड़ा सा जो रिलीजियस इसके बारे में है वो मैं 3 4 बोलूंगी, उसके बाद मैं मोर को गुरु जी से कनेक्ट करती हूँ। देखिए क्या है कि जो मोर होता है
इट इज द ओल्डेस्ट बर्ड, इट इज द ओल्डेस्ट बर्ड, और ये हमारे स्क्रिप्चर्स में दी गई है, और इट्स सिग्निफाइज सिंबल ऑफ टाइम। और अच्छा, ये मैं थोड़ा सा और अभी पीछे जाती हूँ। जब ये मैंने ये एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे ये 7 मिनट का ये सत्संग किया, किसी एक एक ही बार ये सत्संग किया था ओपन प्लेटफॉर्म में। आप देखिए, अगले दिन मैं जाती हूँ बड़े मंदिर, तो मेरी गाड़ी के बोनेट के ऊपर एक मोर पंख पड़ा होता है। एक आंटी जा रही होती है, वो मेरी गाड़ी की बोनेट के ऊपर रख जाती है। उसके बाद मैं देखती हूँ कि गुरुजी ने मुझे एक गोल्डन पीकॉक का दर्शन दिया, और उसके ऊपर उनका जो पीकॉक का फेस है वो गुरुजी का है। और उसके बाद मैंने एक और प्लेटफॉर्म पे, वैंकूवर के प्लेटफॉर्म पे, एक संगत ने आना था पुरानी, वो नहीं आए। तो वहां के कोऑर्डिनेटर ने देखा कि मैं हूँ, तो उन्होंने कहा कि आंटी आप सत्संग करिए। तो मेरे को उस टाइम कुछ और याद नहीं आ रहा था, मैंने एक दो दिन पहले ही पिकॉक का किया था, तो मैंने वो 4-5 लाइनें बोली। संगत जी, उसी टाइम गुरुजी ने ज्योत की दीवार पे इतना सुंदर मोर के दर्शन दिए। और ये मैं आंटी आपको सब शेयर कर सकती हूँ, सब मैं भेजूंगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मोर का स्पिरिचुअल मीनिंग क्या होता है। ये हमारी रिलीजियस बुक्स में, मोर पुराणों में भी बोला गया, तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज सिंबल ऑफ टाइम। उसके बाद ये लॉर्ड कृष्णा के मुकुट पे है, क्राउन पे है, उनके विराजमान है। और ये लॉर्ड मुरुगन, उनका मोड ऑफ वाहन है उनका। उसके बाद ये लॉर्ड इंद्रा को, जो ऋतु गॉड ऑफ रेन एंड वाटर, इज डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ पीकॉक, एंड इट कैन फोरटेल रेन एंड डांसेस। जब नाचता है तो इसका मतलब वर्षा होने वाली है। उसके लॉर्ड इंद्रा, जो वर्षा और जल के देवता हैं, उन्हें मोर के रूप में दर्शाया गया है। वे बारिश की भविष्यवाणी कर सकता है, नाचने के रूप में आदेश होता है कि ये बारिश आने वाली है। उसके बाद पीकॉक इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद गॉडेसेस सरस्वती, लक्ष्मी, जो हमारे धन बुद्धि जो विद्या हमें देती हैं। अब आप देखिए कि जो मोर के जितने पार्ट्स होते हैं, ये कुछ ना कुछ हमको सिग्निफाई करते हैं। देखिए, इट हैज लार्ज आईज, सिमेट्रिकल बॉडी एंड ब्यूटिफुल टेल फेदर्स, एंड कैन ड्रिंक पॉइजन। ये जहर भी खा सकता है, और कुछ खाने के अलावा ये जहर भी पी सकता है। अब देखिए, जो ये डांस जब करता है, व्हाट इट इंडिकेट्स सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ, कि आप सुख में दुख में भी आप लाइफ को सेलिब्रेट करिए। उसके बाद ये जो अपने फेदर्स को खूब हिलाता है, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स फ्रीडम ऑफ सोल, आत्मा का स्वतंत्र होना, फ्री होना, मतलब। उसके बाद जितने इसके डिफरेंट कलर्स हैं, इट शोज शेड्स ऑफ लाइफ, कि हमारे लाइफ में कितने रंग हैं, कितने तरह के हमारे लाइफ में रंग आते हैं। उसके बाद इसके जो फर्म फीट है, कितने पतले से फीट होते हैं पर बहुत मजबूत होते हैं। व्हाट डज इट शो? इट शो स्ट्रेंथ एंड बैलेंस, और दृढ़ पैर शक्ति और संतुलन को दर्शाता है। और जो टेल है, इट शोज क्रिएटिविटी एंड एस्थेटिक्स, मतलब कितना सौंदर्य से रचाया गया है उस। और जो सबसे सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो आईज, जो इसके हमारे मोर पंख में जो आईज बन के आती हैं, व्हाट डज इट इंडिकेट? इट इंडिकेट्स थर्ड आई और स्पिरिचुअल चक्रा। और जब आप पीकॉक को देखते हैं, तो व्हाट डज इट इंडिकेट? ये क्या दर्शाता है? कि आपका ये नया जन्म हुआ है, जब आप गुरुजी आपकी लाइफ में आए हैं। यू आर बॉर्न अगेन, जो हम पहले थे वो अब नहीं है, और हमें अपनी लाइफ में परिवर्तन लाना है, अपने जीवन में परिवर्तन लाना है। ये हमारा नया जन्म है, और हमको नई शुरुआत करनी है, बदलाव से जागृत होना है, अवेकन होना है, प्यार करना है, और सेल्फ बिलीव करना है, स्पिरिचुअलिटी पे जाना है, पीस एंड इंट्रोस्पेक्शन, आत्म चिंतन करना है, अपने अंदर झांकना है, अपनी कमियों को देखना है। और उसके बाद जब आप मोर को देखते हैं, ये आपका नया जन्म का संकेत है, नई शुरुआत है, आत्मविश्वास, आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन। ये शांति, गरिमा, संतुलन, आत्मनिरीक्षण का बोधक है। इट इंडिकेट्स कामनेस, डिग्निटी, बैलेंस,
साइन ऑफ इनर जर्नी, गो ऑन स्पिरिचुअल पाथ एंड ऑल्सो सेल्फ रिफ्लेक्शन ऑफ योर लाइफ. इट शोज एवरी पार्ट ऑफ हिज बॉडी, डज नॉट हाइड एनीथिंग. कुछ भी नहीं, वो शोज हिमसेल्फ कंप्लीट. तो इसका क्या मतलब है कि हमें ऑनेस्टी एंड ओपननेस, लिव इन ट्रूथ, आप सच सच में रहिए. एंड जब ये अपने फेदर्स को स्प्रेड करता है, इसका मतलब है कि वो खुशी जाहिर कर रहा है. और हमको भी हर सिचुएशन में खुश रहना है. एंड जो इसके फेदर्स हैं, ये जब आप घर में रखते हैं, ये नेगेटिविटी को हटाते हैं और ये एनवायरनमेंट को सुंदर बनाता है. ऐसे ही हमें अपने आप को और दूसरे अपने को सुंदर बनाना है और दूसरे दूसरों के जीवन को भी सुंदर बनाना है, उनकी लाइफ में आके उनको भी सुंदर करना है. और ये मैसेज क्या है, लिव इन ट्रुथ, बैलेंस इन लाइफ. और मैं एक एंड में शब्द से करूंगी, गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना मैं ना ही होर, गुरु की टेक रहे दिन रात, जाकी कोई ना मेटे दा. तो देखिए, ये हमारी मेरी गुरु जी की एक जर्नी में कुछ सत्संग थे. और आप देखिए, जब आप गुरु जी को, हमारे शरीर चला जाएगा, मन चला जाएगा, दिल चला जाएगा, अगर आप सोल में बिठाएंगे, दिस जर्नी विल कंटिन्यू विद हिम. यू नो, दो गुरु जी से दोज हु नो मी नेवर डाई. तो आप गुरु जी से अपनी उनको सोल में बिठाइए और ये जर्नी हमारी उनके साथ चलती रहेगी. तो गुरु जी का लाख लाख शुक्राना.